हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो ये है चांदनी चौक की हरी भरी मार्केट। हमने सोचा चलो ठीक है, दिवाली से पहले थोड़ा बहुत शॉपिंग करना चाहिए, तो हम पहुंच गए चांदनी चौक। और यहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग तो हम कर नहीं सकते, बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा चलो आपको भी दर्शन करा दें, चांदनी चौक जाने के सपने देखने वालों को कि क्या हाल है यहाँ। ट्रेनिंग थी आज, 4 बजने वाले हैं। अब जा रही हूँ घर, कुछ खाना खा के फिर जाऊँगी शॉप पे। तो शोर बहुत है, थोड़ी देर के बाद आपसे बात करते हैं दोस्तों। ये तो अभी तक का अपडेट देना था, तो इसीलिए। तो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज के ब्लॉग में करते हैं आप सबका स्वागत। तो दिवाली बहुत नज़दीक है, आज है 5 तारीख, आगे रेखा। तो हम लगे हुए काम पे, आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ये सारे जो दिए हैं, ये दोनों साइड हमने पेंट करके रखा है, इन पे डिज़ाइन बनाना है। और ये येलो दिए हैं, एक साइड तो ये सूख चुके हैं, इनके बैक साइड पेंट करना है। ये जो रेड दिए हैं, इनके भी एक साइड सूख चुका है, तो बैक साइड इनको पेंट करना है। पहले हम इनको बैक साइड पेंट करके छोड़ देते हैं ताकि ये सूख जाएं, और जब तक ये सूखेंगे इन वालों पर डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। रेखा थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर रही है यहाँ पर। ये सारे दिए रखे हुए हमने बाहर। तो जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर, 2:30 बज गया है, और कोचिंग भी जाना है आज मेरे को, और लाइट नहीं, आप देख सकते हो अंधकार छाया हुआ है। तो फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। एक्चुअली क्या है ना, आज 5 तारीख हो गई है, तो मेरे पास 5 ही दिन बच गए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 12 की दिवाली, इन 5 दिनों में ही सारा काम करना भी है और सब चीज़ करना है, मतलब इन 5 दिनों के अंदर अंदर। तो इसलिए दौड़ भाग बहुत ज़्यादा हो रही है, व्लॉगिंग कम हो रही है। कोई बात नहीं, जितनी भी हो पा रही है, कब एडिट कर पाऊंगी, कब व्लॉग्स आएंगे पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आएंगे सारे व्लॉग। जितना भी मुझे समय मिल रहा है मैं व्लॉगिंग जरूर कर रही हूँ। संडे है तो अरायना की तो ऑब्वियसली छुट्टी है, अंदर पता नहीं क्या कर रही है अंधेरे में। मेरे चावल बन रहे हैं। एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ, ये भिंडी धो के गई थी सुबह, और अब ये भिंडी थोड़ी सूख गई है, पानी हट गया इसमें से, तो मैं काट करके रख करके जाती हूँ। ये है मेरा टाइम मैनेजमेंट का तरीका, क्योंकि लाइट भी नहीं है, जब तक कि चावल बन रहे हैं दाल पहले से है, तो उसी के साथ अभी काम चला लेंगे हम लोग। और ये रात के लिए भिंडी काट के, अगर लाइट आ गई तो मैं अभी खाने तक भिंडी चढ़ा भी दूंगी, सब्जी बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर मैं रात को लेट भी आती हूँ 10 बजे 10:30 बजे, तो फटाफट से रोटी बनानी पड़ेगी मेरे को। तो ये कर रही हूँ फिलहाल, अगर लाइट आती है तो लड्डू राधा मुरली के दर्शन आपको कराती हूँ। दोस्तों ये है हमारी माता श्री और मामी जी, और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनका पालन सिर्फ गांव में ही आजकल होता है, और तो कहाँ हो पाता है। तो भाई दूज के दिन हमारे यहाँ चूड़ों से अपने भाई की पूजा की जाती है, और वही चूड़े यहाँ पर कूटे जा रहे हैं। अब वो क्या होते हैं मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता दूँ। जो साबुत धान होते हैं उनको पहले भिगो दिया जाता है, 1 दिन पहले कि 2 दिन पहले, ये तो मुझे नहीं पता। फिर जब उनको भिगो के दूसरे दिन पहले उनको भूना जाता है, देखिए यहाँ पे भून रहे हैं, और भूनने के बाद जब वो भून जाते हैं उसमें से खुशबू आने लगती है, तो उनको कूटा जाता है ओखली और मूसली की मदद से। ये कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मशीनों से हो सकता है, तो यही ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब भाई दूज नज़दीक है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे ये वीडियो कल भेजी थी, हाँ उन्होंने लैंडस्केप में भेज दी, वर्टिकल में नहीं भेजी, तो ये इस तरीके से दिखने को मिल रही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इन सब चीज़ों को, कि अगर हम भी वहाँ पे होते तो ऐसे करते, हम भी इंजॉय करते। जब वहाँ थे तब नहीं करते थे यार इंजॉय, अब यहाँ आ गए तो अब इन सब चीज़ों की याद आती है, और यही ज़िंदगी का दस्तूर है। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब हम कहीं दूर होते हैं फिर हमको उस चीज़ की वैल्यू होती है। तो आप भी देख सकते हो। तो जी दोस्तों, वो तो गांव की वीडियोस को देख करके ही बस प्रसन्न हुआ जा सकता है, बाकी हमने तो दिल्ली के पॉल्यूशन में ही बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, आपसे मिलेंगे कल, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।